जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में छात्रों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि 3 से 4 आतंकी छात्रों के जंगल के इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों ने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन को शुरू किया। और कुछ ही देरी के बाद जब आतंकियों ने ये देखा कि यहाँ सुरक्षा बलों की टीम पहुंच चुकी है, उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसका जवाब जो है वो सुरक्षा बलों ने भी दिया। अब दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनावों के बाद जब विधानसभा चुनाव होने की प्लानिंग हुई, उसके बाद से पाकिस्तान ने दरअसल आतंकियों को जम्मू डिवीजन में भेजने का सिलसिला शुरू किया। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 60 से 70 आतंकी जो है घुसपैठ करके जम्मू के अलग अलग इलाकों में पहुंचे हुए थे, जिनमें किश्तवाड़, डोडा, रियासी, कठुआ, उधमपुर, पुंछ और राजौरी जिले शामिल हैं। दरअसल ये इलाके जो हैं ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ घने जंगल हैं और इन्हीं घने जंगलों के बीच आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाए थे और लगातार यहाँ छुपे हुए थे। पिछले कुछ समय में चुनावों से ठीक पहले आतंकी गतिविधियां तेज हुई। दरअसल इन आतंकियों को जब जब इशारा मिलता रहा सरहद पार से उनके आकाओं से, तब इन्होंने आतंकी हमलों को अंजाम दिया, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया। मगर उसके बाद जब सुरक्षा बलों को पुख्ता जानकारी मिल गई कि ये आतंकी कहाँ हैं, उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू हुई। और उसी के बाद हमने देखा कि पिछले अगर एक महीने में देखें तो लगभग 1 दर्जन के करीब आतंकियों को अलग अलग ठिकानों पे मार गिराया गया, चाहे वो घुसपैठ करते हुए बारामूला कुपवाड़ा हो या नौशहरा सेक्टर से वहां आतंकी मारे गए, उसके बाद राजौरी या फिर कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, इन इलाकों में आतंकियों के सफाए का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल पाकिस्तान चुनावों के वक्त जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमलों को अंजाम देकर कहीं ना कहीं चुनावों में खलल डालने के प्रयास करना चाहता था, ताकि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाया जा सके इस मुद्दे को, और कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में दरअसल चुनावों के वक्त जो भारतीय सरकार कर रही है उसमें बेसिकली शांति नहीं है और लगातार हालात खराब हैं। मगर सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उनको नाकाम किया जाए। और आज भी आप देखें तो चुनाव अब खत्म हुए, उसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को तेज़ किया है। किश्तवाड़ के छात्रों में मुठभेड़ चल रही है और वहां छुपे हुए 3 से 4 आतंकियों को मार गिराने की कवायद सुरक्षा बलों ने तेज की है। वहीं इसी तरह से राजौरी में भी कुछ समय पहले कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां ऑपरेशन चलाया हुआ है और वहां पर भी आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। मकसद बड़ा साफ है, अब चुनावों का दौर खत्म हो चुका है, जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की कवायद यही है कि जल्द से जल्द यहां छुपे आतंकियों का भी सफाया किया जा सके। बंडी डिगरा के साथ अजय दंडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। देश की सेंट्रल एजेंसी यानी कि देश की खुफिया विभाग का इनपुट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 3 महीने की मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक की सबसे बड़ी खेप यानी कि 562 किलो कोकीन और 40 किलो मैरवाना को बरामद किया, या यूं कहें कि जब्त किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तुषार गोयल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और उसकी अपनी पब्लिशिंग की कंपनी भी है जो कि दिल्ली के पहाड़गंज में है। हम आपको बता दें कि स्पेशल सेल की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि तुषार गोयल पहले यूथ कांग्रेस यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था 2003 में, और 2022 में वो इंडियन यूथ कांग्रेस में बतौर RTI सेल का चेयरमैन भी था। हालांकि अभी के जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उसको 2022 के बाद से तुषार गोयल को निकाल दिया गया था पार्टी से। हालांकि इस पूरे ड्रग्स के मामले में अब तक 5,000 के ज़्यादा कीमत की कोकीन और 40 किलो मैरवाना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद किया, जिसमें भरत जैन जो कि मुंबई से दिल्ली आया था सिर्फ 15 केजी कोकीन को लेने के लिए, इसके अलावा औरंगजेब
और एक हिमांशु नाम का शख्स जो कि एसोसिएट्स और रिसीवर है, उनकी मदद से इस पूरे बड़े खेप को दिल्ली के महिपालपुर के एक गोदाम में रखा गया था और वहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, मतलब दिल्ली के NCR इलाके में और दिल्ली से बाहर, दिल्ली दूसरे जो राज्य है वहां पर इस पूरे कोकीन के बड़े खेप को भेजा जाना था। हम आपको बता दें कि इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप प्रेमा के जरिए जो है ये इस पूरे मैसेजिंग को जो है इंटरसेप्ट किया गया था। बेसिकली बड़े चालाकी से जो है दो जो म्यूजिक लवर्स हैं वो आपस में बात कर रहे थे म्यूजिक कंसर्न को लेकर, जो दुबई और मुंबई के बीच बात हो रही थी। एक जो इसका जो इस ड्रग से जुड़ा हुआ शख्स है वो दुबई में बैठा था और दूसरा मुंबई में। लेकिन इस पूरे जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप को इंटरसेप्ट किया जाता है देश की सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से, जो कि आमतौर पर लोग इस भाषा को नहीं समझ पाते, उसके बाद इस पूरे एक बड़े जो ड्रग्स का इंटरनेशनल रैकेट है उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस इनपुट पे काम कर रही होती है। उसके बाद अचानक उनको जानकारी मिलती है कि एक ड्रग्स का बड़ा जो खेप है वो दिल्ली आ रहा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है जो भरत जैन को गिरफ्तार करती, उसके बाद से फिर तुषार गोयल के बाद हिमांशु और औरंगजेब को गिरफ्तार किया जाता है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश का भी कनेक्शन इस पूरे कोकीन से जुड़े मामले में सामने आया है। हालांकि शुरुआत में 2000 करोड़ का ये जो है ड्रग्स बताया जा रहा था, लेकिन अब जिस हिसाब से इसका इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन 5000 करोड़ से ज़्यादा कीमत का ये कोकीन है। हालांकि ये पूरा जो एक खेप है मिडिल ईस्ट से लेकर हिंदुस्तान तक पहुँचा, इसमें कई देशों से होते हुए कोकीन पहुँचा, क्योंकि इतना बड़ा जो खेप है तकरीबन 562-63 किलो का कोकीन जो है किलो, ये आमतौर पर किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से ऐसे नहीं आ सकता। इसे जो है कहीं ना कहीं समुंदर के रास्ते लाया गया और इसमें मिडिल ईस्ट का नाम सामने आया है कि मिडिल ईस्ट के जरिए ये हिंदुस्तान तक पहुंचा है और हिंदुस्तान के में पहुंचकर उसके बाद ये और बाकी जगहों पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। फिलहाल पुलिस अब ये जानने में जुटी हुई है कि इसके अलावा, इन चारों के अलावा और दिल्ली में कौन कौन से नेक्सस इनके साथ एसोसिएट्स हैं जहां पर ये पहुंचाना था, कौन कौन सी ऐसी पार्टियां होनी थी और कौन ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं इसके अलावा, और दिल्ली के अलावा और कौन स्टेट इसमें है, क्या साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से लेकर जो वेस्ट है, इन तमाम स्टेट्स में जो है हिंदुस्तान की ड्रग्स को पहुंचाना था। और दिल्ली पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 40 किलो मैरवाना जो है वो एयरपोर्ट के रास्ते दिल्ली पहुंचा था और ये 562-63 किलो जो कोकीन है ये बाई रोड दिल्ली आया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस है, क्योंकि मैरवाना बाई रोड नहीं एयरपोर्ट के रास्ते आया था, जैसा कि खुद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस बात का खुलासा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस का नाम आने के बाद एक बार फिर से इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ गर्मा गर्मी चल रही है, कौन सी राजनीतिक पार्टी आखिर क्या सोच रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तमाम सवाल जो है वो इस समय मन में चलते नजर आते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा सामने आता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया, लेकिन ड्रग्स के मुद्दे पर जाने से पहले और विपक्ष पर क्या आरोप लगाए इसको जानने से पहले आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव की, यानी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की और साथ ही साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। अब जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो लगभग एक दशक के बाद यानी 10 सालों बाद क्या होने जा रहा है। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मजबूत बन जाता है चुनाव, वो इसलिए क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के लोग जाएंगे और वोट करेंगे और साथ ही साथ एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा रहा था। 370 हटी और उसके बाद अब लोगों को अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है वो वापस से एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पर कॉन्फिडेंस दिखाती है या नहीं।
अब ये रही जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात, तो वही हरियाणा का चुनाव नाक का चुनाव बन गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी टक्कर वाला चुनाव अगर कुछ है या कोई है तो वो हरियाणा का चुनाव है। क्यों? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की जब बात आती है, यानी 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब एंटी इनकम्बेंसी की जब बात आती है तो एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ना, हालांकि मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद कास्ट का एक जो समीकरण है वो किस हिसाब से बैठाया गया, किस हिसाब से क्या तमाम चीजें हुई, नाक की टक्कर का सवाल जो है हरियाणा का चुनाव बन गया है। अब दोनों विधानसभा चुनाव से पहले आज ड्रग्स का मुद्दा सामने आता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी यानी राज्यसभा एमपी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गहरे और संगीन आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, क्योंकि दिल्ली से 5600 करोड़ के ड्रग्स जो हैं वो बरामद होते हैं, और जिसमें कांग्रेस के एक ऑफिस बैरर या कहें कांग्रेस के आरटीआई सेल हेड तुषार गोयल का जो नाम है वो सामने आता है। अब तुषार गोयल का जिस तरीके से नाम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग ये बता दें कि 24 मार्च 2022 को तुषार गोयल ने कांग्रेस पार्टी या कहें उनको एक जो डेजिग्नेशन है वो उनको दी गई थी। अब उसके बाद जो मुख्य आरोपी इस पूरे सिंडिकेट में, यानी ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट है, कोकेन बरामद हुई है, तमाम जो ड्रग्स बरामद हुए हैं दिल्ली से, उसमें जो सिंडिकेट का मूल या कहें मास्टरमाइंड कहा जाता है वो तुषार गोयल को बताया जा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में तमाम आरोप जो है वो लगाए गए कि हरियाणा चुनाव से पहले 5600 करोड़ के अगर ड्रग्स जो हैं वो बरामद होते हैं तो इसके पैसे का इस्तेमाल क्या चुनाव में किया जा रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है यहाँ पर। क्योंकि अभी तक अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है इस मुद्दे पर नहीं आया है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अब जो संगीन आरोप है वो कांग्रेस पार्टी पर लगने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से मास्टरमाइंड तुषार गोयल को बताया गया है इस इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में कि किस तरीके से उनके चलते ये पूरा जो ड्रग्स का रैकेट है वो दिल्ली लाया गया है और वो एक मास्टरमाइंड जो है इस पूरे सिंडिकेट में बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल अपने आप में यहाँ ये खड़ा हो जाता है, पहला कि क्या पंजाब बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठाती है कि देश के युवाओं को क्या ड्रग्स में धकेलने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो क्या इसका जो पैसा आया है वो विधानसभा चुनाव में यूटिलाइज किया जाएगा या नहीं, तो तमाम सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खड़े करती है। तो अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, हालांकि 3 फेज में जम्मू कश्मीर का चुनाव था। अब क्योंकि 24 घंटे से पहले जितना भी प्रचार है वो सब समाप्त हो जाएगा, 5 अक्टूबर को जो वोटिंग है वो हरियाणा में होगी। अब देखना ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी किस गहराई के साथ इस मुद्दे को लेती है और क्या जो क्लैरिफिकेशन है वो सामने रखती है। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करते हैं प्रेस वार्ता या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिन्होंने आकर मिलकर इस सिंडिकेट के बारे में बात की है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर विपक्ष पर एक इल्जाम लगाया है, तो अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी सामने आएगी और किस तरीके का स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन इस पूरे मुद्दे पर दे। लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा के इलेक्शंस के बाद अब जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शंस कराए जाएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूँ आशिक मीर। सूत्रों से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में सरकार सोच रही है कि अब आने वाले दिनों में म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शंस भी दिसंबर के आखिर तक कराए जाए, जिसके लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा गया है कि जिन जिन जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है वो वहीं पर तैनात रखे, ताकि खुशगवार माहौल में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शंस कराए जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के 3 चरण जो है मुकम्मल हुए और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें साफ तौर पर यह पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ा कंसर्न हुआ करता था। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ईसीआई की तरफ से एक टीम जम्मू कश्मीर भेजी गई और खास तौर पर यह देखा गया कि किस तरह से लोकसभा इलेक्शंस हो या विधानसभा इलेक्शंस हो,
किस तरह से सिक्योरिटी ने यहाँ पर काम किया है और इसी काम को देखते हुए अब ये फैसला लिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शंस भी जल्दी से कराए जाए ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को मजीद मुश्किलात से दोचार ना होना पड़े। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल एक साल मुकम्मल हो गया जब यहाँ पर म्युनिसिपल और पंचायत की टर्म जो है खत्म हुई, लेकिन अब दोबारा से म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके लिए सरकार जो है एक बड़ा फैसला आने वाले दिनों में लेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में अब म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। हरियाणा में राहुल तो दिल्ली में कुमारी सैलजा क्यों? दरअसल बिल्कुल, कुमारी सैलजा की दिल्ली में मौजूदगी अपने आप में एक सियासी खबर बनती हुई नजर आ रही है। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में आखिरी प्रचार का दिन है। तमाम दिग्गज नेता जो है वो आखिरी दिन चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जो है हरियाणा में आज प्रचार कर रहे हैं, दो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुमारी सैलजा आज दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में कुमारी सैलजा की मौजूदगी पे अब तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का लगातार विवाद चल रहा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे चुनाव में एकजुटता का संदेश दिया गया। लेकिन चुनाव के आखिरी दिन, जब प्रचार का आखिरी दिन है, शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा, कुमारी सैलजा दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में आज उन्होंने जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के तमाम मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सैलजा के विवाद को लेकर पार्टी में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है और वो अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कुमारी सैलजा ने आज सुबह दर्जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। लगभग आधे से पौने घंटे तक कुमारी सैलजा और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई और अब इस मुलाकात के तमाम मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। हुड्डा और सैलजा के बीच की बनी हुई दूरी ने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में एक चैलेंज दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से और खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से बार बार एकजुटता का संदेश दिया गया। राहुल गांधी ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी ताकि जो कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी का फैक्टर है उसको खत्म किया जा सके और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आज फिर एक बार कुमारी सैलजा ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है। आधे से पौने घंटे कुमारी सैलजा की मुलाकात हुई है और इस पूरे चुनावी प्रकरण में सोनिया गांधी की ये पहली मुलाकात है जो कुमारी सैलजा ने उनसे की है। इससे पहले टिकटों के वितरण के टाइम पे कुमारी सैलजा ने सोनिया गांधी से फोन पे बात करके अपनी नाराजगी को जाहिर किया था, लेकिन अब सोनिया गांधी और कुमारी सैलजा की मुलाकात लगातार सुर्खियों में है और सवाल इस बात पे खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सैलजा जनपद क्यों पहुंची और सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों की। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान 1.25 करोड़ के पार पहुंच गया है और अब स्क्रूटनी की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम चेतन है और आप देख रहे हैं मुझे इंडिया न्यूज पर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की और अब तक लगभग 1.25 करोड़ के पार सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों का वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन 20 से 25 लाख सदस्य अभी ऐसे हैं जिनका केवल मिस कॉल देकर सदस्य तो बन गए, उनका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ। तो अब भारतीय जनता पार्टी उन सभी मिस कॉल वाले मेंबरों का फॉर्म भराएगी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेगी। इसके अलावा अंदर खाने की खबर भी सामने आ रही है कि इस सदस्यता अभियान में कई लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो मिस कॉल देकर मेंबर बन गए हैं। ऐसे में पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में जो वार्ड हैं, उन वार्ड के लेवल के जो बूथ अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो स्क्रूटनी की कार्रवाई करें और ताकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मेंबर शामिल हो रहे हैं उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में संगठन का लगातार जो वर्चस्व है बढ़ता जा रहा है, संगठन की मेंबरशिप की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और 1.5 करोड़ के पार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में लोगों को शामिल करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में बड़ा निर्णय है और चिंता की बात यह है, गंभीर मुद्दा है कि आखिरकार, क्योंकि मिस कॉल देकर कोई भी व्यक्ति बीजेपी का सदस्य बन सकता है, उस पर आपराधिक मामले भी दर्ज हों वो भी मिस कॉल देकर सदस्य बन सकता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि पार्टी की छवि खराब ना हो, तो ऐसे लोगों को एक फिल्टर लगाया जाएगा और जिन लोगों पर मामले दर्ज होंगे उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
नवरात्रि के पावन पर्व पर जहां आज अल सुबह से ही माता रानी के मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है, घरों में घट स्थापना की जा रही है, तो वहीं जो है राजधानी जयपुर में जो है गाड़ियों की भरमार आज देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत यादव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। नवरात्रि का पावन पर्व है आज, जो है नवरात्रि पहला नवरात्रि है जिसको लेकर आज बेहद शुभ मुहूर्त है। लंबे समय से लोग श्राद्ध पक्ष के बाद किसी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके चलते आज जो है वाहन लोग अपने जो है अपने घरों पर ले जा रहे हैं। मगर राजधानी जयपुर के सुप्रतिष्ठित गणेश मंदिर पर इस समय हम मौजूद हैं, जो जयपुर के प्रथम पूजनीय हैं। अगर कोई भी शुभ काम या कोई भी वाहन राजधानी जयपुर में लिया जाता है तो सबसे पहले शोरूम्स के बाद उस गाड़ी को गणेश जी के यहाँ यानी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर ढोक खिलाने के लिए लाना होता है। उसी के लिए मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर जो ये तस्वीरें हैं वो किसी शोरूम से कम नहीं लग रही है। चाहे फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है आज नई वाहन लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज गणेश के मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम नई गाड़ियाँ हैं। फिर ये चाहे ट्रैवलर हो या किसी प्रकार के फोर व्हीलर या टू व्हीलर, आज यहाँ पर भरमार लगी हुई है गाड़ी की। और कहें कि सुबह से यानी कि 9 बजे से ये इस तरीके का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सुबह के समय में थोड़ा यहाँ पर भीड़ कम थी, मगर जब अब गाड़ियां आने लगी है तो यहां पर इस तरीके की स्थिति है। हर एक व्यक्ति यहां पर नए वाहन लेकर पहुंच रहा है क्योंकि नवरात्रि का पावन शुरू है अवसर है, तो इस पावन अवसर पर इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को भी हमारी ओर से बेहद शुभकामनाएं। बिहार में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। सीतामढ़ी का सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित इलाका रून्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र है, जहां लोग सड़कों पर किनारे में बसकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कितने लोग तो पलायन कर चुके हैं और लोगों के बीच भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन सभी के बीच कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है और जिलाधिकारी रिचि पांडे, एसपी मनोज तिवारी, एसडीओ संजीव कुमार, डीएसपी रामकृष्णा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं हैंड पंप भी यहां गाड़ा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जो तमाम राहत कार्य चलाए जा रहे हैं वह सभी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचे, उसके लिए जिला प्रशासन कमर कस चुकी है। लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बता दें कि सीतामढ़ी जिले का बेलसंड और रून्नी सैदपुर सबसे अधिक प्रभावित है और यहां खुद जिलाधिकारी निरीक्षण करने आए हैं। जिले के जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है जो तमाम बाढ़ पीड़ितों को सहायता दे रहा है और कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन तक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जो तमाम राहत सामग्री है सरकार की ओर से जो राहत सामग्री उपलब्ध कराए गए हैं वह बाढ़ पीड़ितों तक उपलब्ध करने का प्रयास जिला प्रशासन लगातार कर रही है। रंजीत कुमार, इंडिया न्यूज़, सीतामढ़ी। आप कन्वेनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर की तलाश अब समाप्त हो चुकी है। जी हां, इस वक्त मैं नई दिल्ली में मौजूद हूं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल के नए आवास की। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 5 फिरोजशाह रोड है और आपको बता दें कल यानी कि 4 अक्टूबर को अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद आप सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे। आप सांसद का घर नई दिल्ली विधानसभा में आता है और वहीं अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट और दिल्ली चुनाव का प्रचार भी इसी नए ठिकाने से देखेंगे। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नए आवास को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं आप अगर देख सकते हैं तस्वीरों में कि तैयारी जो है वो भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल के जो ऑफिशियल रेसिडेंस है सीएम आवास, वहां से सामान जो है वो भी यहां पर आना शुरू हो गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि कल अरविंद केजरीवाल यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए वही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तैयार है अपने नए आवास में आने के लिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांसद जो है अशोक मित्तल उनके आवास पे रहेंगे। कई तरह की अटकलें जो है वो उनके यहाँ पर आने पर लगाई जा रही थी, आखिर वो कहाँ जाएंगे जब आवास छोड़ेंगे। और अब यानी कि अरविंद केजरीवाल अब आगे के जो प्रचार प्रसार है दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसमें प्रमुख है यहीं से देखेंगे। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपना घर देने की पेशकश जो है वो की थी। फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का बतौर सीएम सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित सरकारी आवास जो है वो परमानेंट ठिकाना था। 10 साल से मुख्यमंत्री वहीं रह रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये घर खाली करने का ऐलान जो है वो जंतर मंतर से किया था। जंतर मंतर पर जब जो सभा जब वो संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अब जनता के बीच जाकर रहूंगा और अपना सरकारी आवास जो है
वो छोड़ने जा रहा हूँ। और उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी आखिर अरविंद केजरीवाल कहाँ रहेंगे। एक और खासियत आपको बताते हैं इस नए आवास की, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर शिफ्ट होंगे और वहीं अगर आपको तस्वीरें दिखाए तो लगातार प्राथमिकता जो है वो ग्राउंड फ्लोर को दी जा रही थी कि जो भी आवास होगा वो ग्राउंड फ्लोर का होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो माँ बाप है वो बुजुर्ग है, उनकी तबियत जो है वो भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर का आवास जो है वो लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ से जो आम आदमी पार्टी दफ्तर है उसकी डिस्टेंस भी सिर्फ लगभग 500 मीटर पर होगी। इसी आवास के पीछे जो है वो आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो है वो भी है। तो आपको बता दें कि लगातार विधानसभा की जो कामकाज की जिम्मेदारी हो या फिर क्योंकि आप कन्वेनर हैं आम आदमी पार्टी, तो पार्टी के कामकाजों की जो जिम्मेदारी होगी वो बेहद आसान तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो अब निभा पाएंगे, यानी कि एक पंथ दो काज जो है अब देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि ये एरिया जो है वो नई दिल्ली के अंदर आता है, लुटियन जोन का ये एरिया है, तमाम वीआईपी मूवमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस बीच इस रेसिडेंस को जो है अशोक मित्तल के वो अरविंद केजरीवाल ने चुना है और यहाँ पर कल अरविंद केजरीवाल जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर ये अरविंद केजरीवाल का नया आवास जो है वो होने वाला है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं अर्जु सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। बिहार के लोगों को बाढ़ से निजात मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि नेपाल में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बताया कि नेपाल के मौसम विभाग ने नेपाल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और इस पूरे मामले को लेकर नेपाल सरकार ने अपने कर्मचारियों और आपदा प्रबंधक विभाग के कर्मचारियों को हाई अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश जारी किया है। नेपाल के काठमांडू घाटी में भारी बारिश हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर बिहार के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की जो नदियां हैं कोसी हो या गंडक हो बिहार से होकर गुजरती है और इन नदियों ने पहले ही बिहार में जल प्रलय की स्थिति लाकर रख दी है। ऐसे में नेपाल में अगर भारी बारिश एक बार फिर से होती है तो पहले से ओवरफ्लो कर रही बिहार की नदियां और जल प्रलय लाएगी, जिसका सीधा असर बिहार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। पहले से ही बिहार के 16 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और तकरीबन 12 से 14 लाख लोग जो हैं इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अगर नेपाल में एक बार फिर से बारिश होती है तो बिहार में जल प्रलय की स्थिति हो जाएगी। माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना के साथ ही आज से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। सुबह से ही मंदिरों में माँ के भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। अगले 9 दिनों तक पूरे देश में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी और उसको देख लेकर पूरे देश में उल्लास सा माहौल है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ नवरात्र का शुभारंभ हुआ है और कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से साधकों को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, उनका कहना है कि इन 9 दिनों में अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर आपको अपने अंदर शक्ति को संचित करना है तो 9 दिनों तक आपको पूरे विधि विधान से माँ का अनुष्ठान करना होगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शुद्धता और सात्विकता का पूरा ख्याल रखना होगा और साथ ही आपको शुभ मुहूर्त का भी जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आप माँ की पूजा अर्चना करेंगे तो उसका जो लाभ होगा वो कई गुना तक बढ़ जाएगा, उसका जो पुण्य होगा उसमें कई गुना वृद्धि होगी। माँ अम्बा की आराधना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है। देश भर के जो माता मंदिर है वहाँ पर भक्त जन आज बड़ी संख्या में माता जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। हम इस समय सूरत के अंबिकानी केतन मंदिर पर है, जहाँ पर भी सुबह से हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो स्थान है जहाँ पर माता जी का प्रवेश द्वार है मंदिर का, जहाँ से लोग हजारों की संख्या में आज सुबह से दर्शन करने के लिए पहुँच रहे थे। फिलहाल माता जी का जो है विश्राम का समय है और वो यहाँ पर विश्राम के समय में मंदिर का जो प्रांगण है वो बंद किया गया है और अभी फिर से 3 बजे
माता जी के दर्शन शुरू होंगे और लोग यहां पर बड़ी संख्या में फिर से भीड़ उमटेगी और माता जी के दर्शन के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। ये जो माता जी का मंदिर है वो कई साल पुराना है। माता जी यहां पर स्वयंभू प्रकट हुए थे और जो भक्तजनों के दर्शन के से उनके जो दुख दर्द है, जो उनकी समस्या है, उसका निवारण होता है ऐसा माना जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि ये मंदिर के अंदर दर्शन पाने से माता जी को खुश करने से माता जी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और जो भी उनके जीवन की समस्याएं हैं वो दूर होती है। माता शक्ति की आराधना का ये पर्व जो है जो गुजरात के अंदर बड़ी ही धामधूम से मनाया जाता है, देश भर के अंदर माता मंदिरों में आज सुबह से जिस प्रकार से भीड़ देखी गई थी उसी प्रकार से आज सूरत के अंबिकानी केतन मंदिर में भी भीड़ देखी गई है और लोग जो है बड़ी तादाद में माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पूजा सामग्री को लेकर जाते हैं और माता जी की पूजा अर्चना करके माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने दुख दर्दों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और आने वाले समय में सुख समृद्धि प्राप्त हो ऐसी कामना माता जी से करते हैं और लोग जो है बड़ी तादाद में माता जी के मंदिर पर श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। इसी प्रकार से पूरे देश भर में आज के दिन से ये 9 दिन तक का जो ये महापर्व है माता जी की आराधना का वो शुरू हो चुका है। गुजरात के अंदर भी इस पर्व को बड़ी ही धामधूम से मनाया जाता है और माता जी की आराधना की जा रही है। यहाँ पर लोग व्रत रखते हैं, माता जी की पूजा अर्चना करते हैं, अष्टमी के दिन यज्ञ हवन करके माता जी को रिझाने का कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य है आने वाले 10 दिनों तक चलता रहेगा और माता जी के आशीर्वाद पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते रहेंगे। कैमरामैन रवि वैंडे के साथ में जयेश सोनी, इंडिया न्यूज़, सूरत।